नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुनर्नवा के बारे में। आपने सुना होगा उससे बनी एक होम्योपैथी दवाई के बारे में जिसका नाम है बोरहविया डिफ्यूजा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको होम्योपैथी में किन परेशानियों में दिया जाता है और किस पावर में इसको लेना चाहिए, कैसे इसको लिया जाता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। बोरहविया पुनर्वा से बनी एक दवाई होती है, मदर टिंचर में होम्योपैथी में खास तौर पर ये दी जाती है क्यू पावर में। दोस्तों इसके फायदों की बात की जाए यानी किन बीमारियों में दी जाती है, इस दवाई को खास तौर पर हाई बीपी में दिया जाता है, अस्थमा के केस में दिया जाता है, बेरी बेरी डिजीज में दिया जाता है, इस दवाई को लीवर से संबंधित कुछ रोगों में दिया जाता है, पेट की स्वेलिंग में दिया जाता है, आंखों की कुछ बीमारियों में दिया जाता है। चलिए जानते हैं किन लक्षणों में ये दवाई लेनी चाहिए इन बीमारियों में। सबसे पहले बात करें विटामिन डेफिशिएंसी की, तो ये दवाई विटामिन डेफिशिएंसी में दी जाती है। विटामिन बी की कमी के कारण अगर पेशेंट को बेरी बेरी हो गया है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है, और अगर पेशेंट एनीमिया का शिकार है यानी खून की कमी का शिकार है तो उसको भी ये दवाई रिकवर करने का काम करती है। चलिए अब जानते हैं और किन बीमारियों में से दिया जा सकता है ये दवाई। इन्फ्लामेशन में भी दी जाती है यानी स्वेलिंग में भी ये दवाई दी जा सकती है। अगर पेशेंट को पेट में स्वेलिंग आ गई है या पेशेंट की टांगों में स्वेलिंग आ गई है, लेग्स में स्वेलिंग आ रही है, तो ये दवाई देने से स्वेलिंग को कम करने में मदद मिलती है। ये पेट की कुछ और परेशानियों में भी दी जा सकती है। अगर पेशेंट को इंडाइजेशन यानी अपच की शिकायत रहती है, खाना सही से नहीं पचता है, डायरिया की शिकायत रहती है, पेट में सूजन रहती है, इसके अलावा लीवर से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं जैसे जॉन्डिस यानी पीलिया हो रहा है या लीवर में पेशेंट को सूजन आ गई है, तो ये दवाई दी जा सकती है। ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट देती है अगर इसको क्यू पावर में दिया जाए। ये दवाई सीवियर हेडेक में दी जा सकती है। अगर पेशेंट को सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खासतौर पर किसी भी एक साइड अगर पेशेंट को सिर में दर्द है और गर्दन के निचले हिस्से में भी पेशेंट को दर्द है, पेशेंट अगर ठंडा पानी पीता है तो उसको आराम लगता है, ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जाती है। पेशेंट को अगर हाई बीपी की शिकायत रहती है यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, हार्ट डिजीज भी साथ में हो सकती है पेशेंट को, और जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन हार्ट रीजन में पेशेंट को रहती है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हार्ट की स्वेलिंग में, हार्ट इन्फ्लामेशन में भी ये दवाई दी जा सकती है, बीपी को कंट्रोल करने में मददगार ये दवाई रहती है। आंखों से संबंधित कुछ परेशानियों में भी इसे पेशेंट्स में दिया जाता है। रात में सही से नहीं दिखाई देता है, ब्लर्ड विजन है यानी धुंधलापन आकर आंखों में आ गया है, और आईलिड में पेशेंट को स्वेलिंग आ गई है, ईचिंग होती है, खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो ऐसे केसेस में आंखों की बीमारियों में दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। खांसी में भी इस दवाई को दिया जाता है। अगर पेशेंट को कोल्ड कफ की शिकायत रहती है और बार बार सर्दी जुकाम लगता रहता है, पेशेंट अस्थमा का शिकार रहा है या अभी भी उसको अस्थमा की शिकायत हो रही है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार सर्दी जुकाम लगती रहती है, तो ऐसे केसेस में सांस से संबंधित इन परेशानियों में भी दवाई दी जा सकती है। हाथों पैरों के सूजन और दर्द को भी कम करती है। जिन लोगों को गठिया बाएं की शिकायत रहती है और लंबे टाइम से चलती आ रही है, जोड़ों में जिसके कारण दर्द रहता है, लेकिन खास तौर पर हाथों पैरों की सूजन को ये कम करती है, दर्द को कम करती है। दोस्तों पुनर्नवा से ये बनी दवाई क्यू पावर में ही लेनी चाहिए, लेकिन लेने का सही तरीका डॉक्टर की निगरानी में ही उचित रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी दवाइयाँ आपको दी जाएंगी। सभी को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, हो सकता है आपकी कोई दूसरी दवाई हो, इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।